अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हमारे आज के स्पॉन्सर है स्टार अकेडमी, स्टार काउंसलिंग गाइडेंस एंड एडमिशन सेंटर एट वीपी नाका वाड़ा रोड भिवंडी, और नवाब ढाबा क्वालिटी फूड विद बेस्ट सर्विस एट भिनार नासिक रोड भिवंडी। लस्सी फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यू टेस्ट नाउ एट ओशन गार्डन खंडूपाड़ा भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पे भिवंडी शांति नगर में जो अमजदिया रोड है, अमजदिया स्कूल से लेके जो एक रोड को कल्याण रोड के लिए गया, ये काफ़ी शॉर्टकट माना जाता है लेकिन कई सालों से इसकी हालत बहुत काफ़ी खस्ता है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो इस पर बनाया था कि यहाँ पे किस तरह से काम हुआ था लेकिन काम जो है वो दो महीने में धुल गया था। तो यहाँ पे आज भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख साहब आए हैं इसका रोड का निरीक्षण करने के लिए, और उन्होंने यहाँ के कॉरपोरेशन के कुछ इंजीनियर्स को भी बुलाया, तो हम उनसे ही पूछेंगे कि यहाँ पे क्या निरीक्षण हुआ और क्या इसके आगे की प्रतिक्रिया। तो रईस भाई, आप बताइए कि यहाँ पे जो आपने आज इस रोड का दौरा किया तो इसकी खास वजह क्या थी? एक खास वजह ये है कि अमजदिया रोड की हालत क्या, आप देखिए, आपका कैमरा इधर लाइए, जो गाड़ी आ रही है धूल कितनी है, और ये किसी की बदमाशी की वजह से ये हाल है। MMRDA ने 3.5 करोड़ का टेंडर किया था, उसके बाद 99 लाख का काम हुआ और उसको बेचारे को सता के भगा दिए कॉन्ट्रैक्टर को। अभी ये है कि ड्रेनेज लाइन का काम बाकी है, रोड का काम बाकी है। आज MMRDA और कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स को बुला के एक प्रोग्राम बनाया गया है कि 3-4 महीने में कैसे इस रोड को थोड़ा इस्तेमाल करने लायक बनाए, उसी की मीटिंग थी यहाँ पर। हम सिराज भाई के घर पर आए थे और यहीं पे मीटिंग हमने खत्म की है अभी। तो ये जो रोड है ये कॉन्क्रीट का पास हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो इसमें यहाँ पे काम हुआ था कुछ 6-7 महीना पहले जो हुआ था, इन्फॉर्मेशन है कॉन्क्रीट का पास जो हुआ था उसका टेंडर भी हो गया जी। उस टेंडर को यहाँ के कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं करने दिया और टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। अब फिर से इसकी CC की मान्यता लेनी है। ड्रेनेज का काम कॉरपोरेशन को करना है। कॉरपोरेशन ने आज यहाँ बैठ के वादा किया है, वो जा रहे हैं कि वो दिवाली बाद इस काम को शुरू करेंगे, ड्रेनेज 100 मीटर पहले करेंगे, उसके बाद जो लेटरल्स है वो करेंगे और पूरा रोड बना के देंगे डामर का इस वक्त। और CC के अप्रूवल के लिए मुझे फिर से MMRDA के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब ये दोबारा जो है ये काम को, एक ही काम को जो है 2-3 बार अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आप खुद देखिए, इन्होंने टेंडर कैंसिल करवाया अपने खुद के इलाके का, सोचो बड़े अजीब लोग हैं। एनीवेज, इसको जो भी इसके अंदर शॉर्टफॉल है काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। नसीर भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई ये रोड के लिए 2017 से मार्च से फरवरी से मैं हैरान हूँ, लगा हुआ हूँ। आज आमदार को लेकर आया हूँ वहाँ पे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सरकारी खजाने से चलने वाली जितनी भी चीज़ें, चाहे वो कुछ भी हो, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। जहाँ जहाँ लापरवाही होगी वहाँ वहाँ हम लड़ेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। और ये अमजदिया रोड आज 3 साल से 2 किलोमीटर का रोड अभी तक नहीं बन पाया है। कौन दखल दिया है, कौन रोके रखा है, कुछ नहीं मालूम है। 2 किलोमीटर का रोड बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करने के बाद इनके 0.5 किलोमीटर तक बना पाए हैं। वो भी 0.5 किलोमीटर तक रोड बना है, पीछे का रोड टूटने लगा, खराब होने लगा, वापस से खराब होना चालू हो गया। इसका क्रेडिट कौन लेगा, जवाबदार कोई है? माइकल आज सामने आए जो बोले कि हाँ हम नारियल फोड़े थे और हम ही जिम्मेदार है? नहीं, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये पिछले मैं यहाँ 25 साल से देख रहा था इस रोड पे, अप्सरा के पीछे से अमजदिया तक का 25 साल से कोई रोड का काम नहीं हुआ था। ये हमारे विलास आर पाटिल साहब की मेहनत और लगन और उनको हमारे यहाँ के कौंसलर, और जो लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी कॉरपोरेशन के कामों में दखल दे रहे हैं जी, और ये काम तो शुरू है। कॉर्पोरेटर्स का बोलना है कि जो यहाँ के विधायक है वो कॉरपोरेशन के कामों में दखल दे रहे और जो कॉरपोरेटर का काम है वो उसका क्रेडिट खुद लेके जा रहे हैं। हाँ, तो फिर देख लो ना भाई, एक रोड को 2 किलोमीटर रोड को बनाने के लिए 3 साल लग गया है, और कभी गिट्टी कभी पत्थर लाके डालते हैं, भाग जाते हैं, डामर लाके डालते हैं, सालों साल गायब हो जाते हैं, डामर गिट्टी पत्थर मल के इतना पूरे रोड पे धूल ही धूल हो गया। ऐसा एक गाड़ी गुजर जाए तो ऐसा लगता है कोई बम फेंका है, पूरा धुआं धुआं। ये सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? था क्या आमदार? आमदार को जीता अभी साल भर हुआ है, उसमें भी कोरोना महामारी आ गई। पूरे दुनिया में जब कोरोना का नाम नहीं था ना, तो यहाँ पे लोग मास्क लगाते थे धूल से बचने के लिए। 2017-18 नहीं बांटा था वो मास्क, फिर धूल से बचने के लिए, बीमारी का कोई नाम ही नहीं था, रुमाल से मास्क को कवर करके रखते थे। ये सब काम जब जनता आमदार रईस शेख से कर रही है तो कुछ लोग ऐसा फुदा, जैसे गरम नमक में पॉपकॉर्न डालते हैं तो पॉपकॉर्न उछलता, कुत्ता फुदकता है, इससे तो उछल फुदक रहे। इसमें आप मनपा के अधिकारियों को भी क्या दोषी ठहराएंगे? बिल्कुल दोषी ठहराएंगे, इनकी मनमानी और इनकी लापरवाही की देन है कि आज जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इनको बोलना चाहूंगा, ये मनमानी और ये लापरवाही बंद कर दें, वरना इनके ऊपर ताबड़तोड़ विधायक जी की कार्रवाई होगी, जो भी मनमानी और लापरवाही कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलो।